वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होती है वो मशीन चलती रहती है और जो मोल्ड होता है उसमें हम डेली क्या क्या हमको चेक करना चाहिए ताकि मोल्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो, मशीन में कोई प्रॉब्लम ना हो और जो हमारा प्रोडक्ट बने वो अच्छा बने, उस प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट देखने को ना मिले। तो मोल्ड में हमको डेली क्या चेक करना चाहिए, जब मशीन स्टार्ट हो, प्रोडक्शन स्टार्ट हो मोल्ड में, तो हमको क्या क्या चेक करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है क्लियर एंड क्लीन रस्ट ऑन द मोल्ड पार्टिंग लाइन सरफेस। जो मोल्ड का पार्टिंग लाइन सरफेस होती है उस पर चलते चलते मोल्ड में रस्ट जमा हो जाती है। तो इसलिए जब भी मोल्ड स्टार्ट हो, रनिंग उसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो, तो जो मोल्ड होती है उसके कोर और कैविटी पे जो पार्टिंग लाइन होते हैं उसमें रस्ट जमा हो जाता है। तो उन रस्ट को हम सबसे पहले क्लियर करेंगे और क्लीन करेंगे ताकि जो प्रोडक्शन होगा, जो प्रोडक्ट बनेगी वो अच्छा बनेगा। सेकंड पॉइंट होता है चेक द ऑल स्लाइडर एंड लिफ्टर मोमेंट। जो मोल्ड होता है जिसमें स्लाइडर लगे होते हैं, जिसको हम कोर कैविटी दोनों में या सिर्फ कोर में, जो कोर साइड लगे होते हैं जिसमें हमारा कोई थ्रेडिंग का मोल्ड हो गया, कोई होल का मोल्ड हो गया, ऐसे प्रोडक्ट हमको बनानी होती है, तो उसमें हम ये स्लाइडर लगाए रहते हैं और लिफ्टर मोमेंट जो उसमें रनर हो गया या पार्ट हो गया उसको जो लिफ्ट करते हैं, लिफ्टर जो होती है या कोई इजेक्टर पिन हो गया जो लिफ्टर का काम करती है, तो उसको हम डेली मूवमेंट हो रही है कि नहीं, बराबर कोर इन आउट जा रहा है कि नहीं, इसको जो उसका लिफ्टर है वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं, इन सभी को हम चेक करेंगे। अगर चेक नहीं करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, पिन टूट सकता है, जाम हो जाएगा, तो इजेक्टर जो साइड कोर होती है वो भी टूट सकता है, इजेक्टर पिन टूट सकता है। तो इसलिए हम इसको चेक करेंगे कि उसका स्लाइडर अच्छा है, मूवमेंट अच्छी है, उसकी लिफ्टर जो पिन होती है वो बराबर वर्क कर रहा है कि नहीं। फिर थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है, क्लीन द एयर वेंट एरिया। जो मोल्ड होती है हमारे वो चलते चलते जो एयर वेंट होती है उसमें रस्ट जमा हो जाते हैं, जिससे जो अनवांटेज गैस होती है वो मोल्ड से बाहर रिलीज नहीं हो पाती है और जो बर्न मार्क हो गया या शॉर्ट फिल का कारण बन जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उस मोल्ड का जो एयर वेंट एरिया होती है उसको पूरी अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, थिनर होगा या कोई टिश्यू पेपर से हम उसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे ताकि जो हमारा प्रोडक्ट बने वो अच्छा बने, उसमें बर्न मार्क और शॉर्ट फिल देखने को ना मिले। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, लुब्रिकेंट द पिलर एंड बूस्ट ऑल द स्लाइडिंग एरिया। जो पिलर होती है मोल्ड का, गाइड बूस हो गया, गाइड पिलर हो गया या लिफ्टर हो गया, जो भी होती है उसमें हम क्या करते हैं, लुब्रिकेंट करते हैं, हफ्ते में, वीकली में, मंथली में उसको हम, और जो स्लाइडिंग उसका कोर होती है, स्लाइडिंग करता है आगे पीछे रहता है, उसमें भी हम लुब्रिकेंट करते हैं। पिलर और स्लाइडिंग एरिया में हमको लुब्रिकेंट करना चाहिए डेली, ताकि उसमें कोई रस्ट ना हो और हमारा जो स्लाइडिंग एरिया हो जाम ना हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, चेक द टाइट ऑल स्क्रू। जो मोल्ड में स्क्रू होती है जिससे मोल्ड हमारा क्लोजिंग पोजीशन में रहता है, जिससे हम स्क्रू को टाइट करके रखते हैं, मोल्ड हो गया कोर या कैविटी में या कोई हीटर लगाए हुए हैं उसमें हम स्क्रू से जो टाइट करके रखते हैं उस स्क्रू को हम डेली चेक करेंगे कि स्क्रू लूज तो नहीं हो गया है। अगर लूज हो गया है हमको नहीं मालूम चलेगा तो जो हमारी कोर होती है या कैविटी होती है वो डैमेज हो सकता है, साइड कोर ओपन होके गिर सकता है और डैमेज हो जाएगा, इसलिए हम उसके जो स्क्रू होते हैं उनको हम चेक करेंगे कि वो जो स्क्रू है वो लूज तो नहीं है, पूरी तरह से टाइट है। तो इस तरह से हमारी मोल्ड की सेफ्टी होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, चेक द स्प्रिंग ऑफ इजेक्टर मोमेंट। जो इजेक्टर मोमेंट होती है, कोई कोई इजेक्टर होती है मोल्ड में जो स्प्रिंग मोमेंट करती है आगे पीछे, तो इसलिए हम उसके इजेक्टर जो होती है उसकी स्प्रिंग जो लगी होती है इजेक्टर में, जिसको इजेक्टर मूव आगे पीछे मूव करने के लिए उसकी हेल्प करती है, तो उस स्प्रिंग को हम चेक करेंगे। या मोल्ड का क्लोजिंग ओपनिंग होते हैं जिसे स्लाइड, एक स्टीपर प्लेट होती है थ्री प्लेट मोल्ड में, स्प्रिंग होते हैं जिसके द्वारा वो स्लाइड जो स्टीपर प्लेट होती है वो आगे तरफ मूव करती है, तो उस स्प्रिंग को हम चेक करेंगे कि वो स्प्रिंग ब्रोकन तो नहीं हो गया है। अगर ब्रोकन हो गया है तो हमारा मोल्ड डैमेज हो सकता है, इसलिए हम उस स्प्रिंग को नया चेंज करेंगे या चेक करेंगे डेली कि वो स्प्रिंग टूटा तो नहीं हो या ब्रोकन तो नहीं है। तो इस तरह से हमारे मोल्ड में सेफ्टी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, चेक द एनी अब नॉर्मल साउंड इन मोमेंट। अगर जो हमारा मोल्ड है
तो मोल्ड आगे पीछे मूवमेंट कर रही है, क्लोज ओपन हो रही है, प्रोडक्शन उसका बन रहा है, तो उसमें कोई ऐसा साउंड तो नहीं आ रहा है, जो अलग सा कोई साउंड तो नहीं है जिससे कि लगे, जैसे कि लगे कि कोई मोल्ड में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा कोई अलग सा साउंड आ रहा हो तो हम उस अब नॉर्मल साउंड को चेक करेंगे और उसका सोल्यूशन करेंगे, उसका क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा अलग सा साउंड आ रहा है, जिसकी हमारी मोल्ड का सेफ्टी होगी और मैन पावर का भी सेफ्टी होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चेक द नायलॉन बुश कंडीशन। जो मोल्ड में हम नायलॉन बुश लगाए रहते हैं, येलो कलर का हो गया, रेड कलर का हो गया, जो नायलॉन बुश हम मोल्ड में लगा रहे हैं वो नायलॉन बुश अच्छा है कि नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो नायलॉन बुश डैमेज तो नहीं हो गया है, अगर डैमेज हो गया है तो हम नया नायलॉन बुश को हम उसमें रिप्लेस करेंगे, ताकि जो हमारा मोल्ड चले अच्छा से चले और हमारे पार्ट में कोई डिफेक्ट ना मिले और मोल्ड की भी सेफ्टी हो। नेक्स्ट, जो मोल्ड में वाटर की सप्लाई करते हैं इन आउट पार्ट को कूलिंग करने के लिए, एक पाइप से हम वाटर को मोल्ड में इन करते हैं और एक पाइप से वाटर को बाहर करते हैं, तो वो इन आउट का जो सर्कुलेशन टाइम होता है वो बराबर उसमें हो रहा है कि नहीं, उसका पानी बराबर इन आउट हो रहा है कि नहीं, उसकी बराबर सर्कुलेशन हो रही कि नहीं, पार्ट को कूलिंग अच्छे तरह से कर रहा है कि नहीं, ये सभी हम चेक करेंगे कि उसका वाटर का फ्लो अच्छा है कि नहीं, अगर नहीं है तो मोल्ड को क्लीन करेंगे, पाइप को क्लीन करेंगे और जो हमारी वाटर का फ्लो रहेगी उसको चेक करेंगे और बराबर हम वाटर का फ्लो उस मोल्ड में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, चेंज द कैलेंडर एंड डेट इन मोल्ड। कैलेंडरिक सिस्टम को हम चेक करेंगे कि उसका डेट बराबर चेंज हुआ है कि नहीं, और प्रोडक्शन जो हमारे रन हो रहे, जो हमारा कंपोनेंट बन रहा है उसमें आज का डेट है कि नहीं, आज के डेट से हिसाब से हमारा प्रोडक्शन रनिंग हो रहा है कि नहीं, तो ये हम डे बाय डे चेक करेंगे और उसका कैलेंडरिंग जो होती है वो डेट हम चेंज करेंगे और मशीन को हम रन करेंगे। तो इस तरह से ये सभी पॉइंट होती है जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जो मोल्ड की सुरक्षा करती है, और डेली हमको चेक करना चाहिए और पीएम करना चाहिए मोल्ड का।